क्या आपको पता है कि जिस हेरोइन को हम खतरनाक नशा मानते हैं वो कभी खांसी की दवा हुआ करती थी, लेकिन इंसान के लालच ने इसे इंसान का ही दुश्मन बना दिया। पिछले 20 सालों में सिर्फ अमेरिका में करीब 130,000 से ज्यादा लोगों की मौत इस हेरोइन के ओवरडोज के कारण हुई है। आखिर ये दवा कैसे बन गई जानलेवा नशा, इसकी शुरुआत कहां से हुई, ये सारी जानकारियां आपको यहां मिलने वाली हैं। ये बात है साल 1800 के दशक के अंतिम दौर की, जब हेरोइन को प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरीज में तैयार किया गया। तैयार होने के कई सालों बाद आज का ये नशीला पदार्थ खांसी की दवाओं में प्रयोग किया जाने लगा। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेरोइन का रासायनिक नाम डाइसेटाइल मार्फिन था। हेरोइन के बनने की सबसे पुरानी रिपोर्ट साल 1874 के दौर की है। इसे एक अंग्रेज रसायन शास्त्री CRA राइट ने लंदन के सेंट मैरी हॉस्पिटल स्कूल ऑफ मेडिसिन में तैयार किया था। शुरुआत में लोगों को इस बात की जानकारी थी कि इस दवा से लोगों को नशे की लत नहीं लगती और इसका दुष्प्रभाव भी कम होता है। साल 1897 तक हेरोइन को लेकर ट्रीटमेंट के दृष्टिकोण से कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई दी, लेकिन जब प्रोफेसर हेनरिक ड्रेसर के नेतृत्व में जर्मन दवा कंपनी बायर की रिसर्च टीम ने मार्फिन और कोडीन की जगह कुछ और इस्तेमाल किए जाने को लेकर खोज और जांच की, जिससे कि सांस की बीमारी वाले मरीजों को राहत दी जा सके, तो हेरोइन का प्रयोग जोर पकड़ने लगा। पहले हेरोइन युक्त दवाओं का जानवरों पर परीक्षण किया गया और उसके बाद इसे लोगों पर आजमाया गया। इस परीक्षण से ये बात सामने आई कि डाइसेटाइल मार्फिन खांसी में असरदार होने के साथ साथ कफ में भी राहत पहुंचाती है। उस समय इसे हेरोइक ड्रग का नाम दिया गया। साल 1998 में बायर कंपनी ने डाइसेटाइल मार्फिन के इस्तेमाल से एक कफ सप्रेसेंट बनाना शुरू किया, जिसे नाम दिया गया हेरोइन। पाउडर के रूप में दी जाने वाली ये खुराक 1 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम और 25 ग्राम की डोज में दी जाती थी। पाउडर के बाद इस दवा ने सिरप, फिर गोलियों और फिर सपोसिट्री का रूप लिया। साल 1899 तक कंपनी 20 से ज्यादा देशों में हेरोइन बेच रही थी। आज जो हेरोइन गैर कानूनी है वो 1914 तक बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाया करती थी। बाद में हेरोइन का प्रयोग सिर्फ खांसी या कफ की दवा के लिए नहीं, बल्कि मार्फिन और शराब की लत छुड़वाने के लिए भी होने लगा। इसके बाद हेरोइन का इस्तेमाल व्यावसायिक रूप में भी होने लगा। व्यावसायिक लॉन्च के साथ ही इसे लेकर ऐसी चेतावनियां दी जाने लगी कि हेरोइन की लत लग सकती है। इस तरह धीरे धीरे ये बात सामने आने लगी कि इसकी लत लग सकती है। साल 1910 के दशक में हेरोइन अपराधियों के बीच काफी लोकप्रिय होने लगी। इसकी वजह से इसे लेकर विवाद शुरू हो गया। दरअसल अमेरिका में जेल के कुछ कैदियों को खांसी के लिए हेरोइन दी गई। इसके बाद बाकी कैदियों में ये बात फैल गई कि यह एक अच्छा मादक पदार्थ यानी नशीला पदार्थ है, जिसके बाद जेल के बाहर भी यह अफवाह फैल गई। इसके साथ ही बाजार में हेरोइन कोकीन से सस्ती थी और इसे प्राप्त करना अफीम से भी ज्यादा आसान था। इस वजह से ज्यादा संख्या में लोग इसके आदि होते चले गए और धीरे धीरे ये पदार्थ एक महंगा नशीला पदार्थ बन गया, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।